पात पात के वो जो चतुर्लिंगम जो फीलिंग्स थ्री इडियट्स का है ना, उसका वो साइलेंसर का उसने पूरा किरदार निभाया। ये नज़ारा देखिए, एकदम छाव थी अब तक हम ट्रैवल कर रहे थे और एकदम धूप आ गई और घने बादल है। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका सस्तापन मस्ता सस्ता ट्रैवलर पे और आई एम रेडी फॉर द थर्ड डे। गाइस, आर यू गाइस रेडी फॉर द थर्ड डे एडवेंचर? देखिए हम कहाँ है, हम बद्रीनाथ में यहाँ स्टे किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अवेयरनेस एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाया हुआ जगह है। ये डॉर्मेंट्री है, यूथ हॉस्टल है, काफ़ी रिजनेबल है। 800 रुपीज़ में हमको रूम मिल गया जो कि 4 जन आराम से रह सकते हैं। और खाने का 100 रुपये पर पर्सन था खाने का जो रात को, और खाना बहुत बेहतरीन था, बहुत घर वाली फीलिंग थी, एकदम सिंपल खाना था, गरम गरम मिल रहा था। और यहाँ टेम्परेचर 9 डिग्री है गाइस, काफ़ी ठंडी लग रही है, फाइनली ठंडी लग रही है, काफ़ी ठंडी लग रही है। और जैसे आप देख सकते हैं वादियों में बर्फ़ जम चुकी है, देखिए ऊपर वो बर्फ़, वो सब बर्फ़ है गाइस। और मौसम देखिए यहाँ का। और यहाँ से हम जाएंगे चोपटा, हमारा जो ट्रैकिंग होगा कल तुंगनाथ के लिए, चोपटा जाएंगे। चोपटा में काफ़ी अब हमको जाने, हमको थोड़ा सा धीरे धीरे अपना गेम थोड़ा ऊपरी लेवल पे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ठंडी बढ़ने वाली है। 9 डिग्री कल रात को था, 15 डिग्री के आसपास था जब हम निकले थे वहाँ से, 24 डिग्री था, फिर 19 धीरे धीरे कम होते गया। आज सवेरे अब भी 9 डिग्री है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑसम। आप देख सकते हैं, एक थोड़ा सा उधर दिखेगी वो दूर देख रहे, वो हवा का रुख कौन से साइड है ये जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी रहता है। ये वहाँ से हवा का रुख पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में। और यहाँ भी वादियाँ बहुत ज़बरदस्त है, एटमोसफियर का तो क्या कहना, हम नहाए कैसे वो हमें ही पता है। थोड़ा सा जिनको ये सस्ता ट्रैवलर है, जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, मेरे जैसे गरीब इंसान है तो वो यहाँ आके रह सकते हैं क्योंकि यहाँ एकदम रिजनेबल में है। जैसे कि सस्ता ट्रैवलर, हम थोड़ा सा एडॉप्टेबिलिटी भी आने को ना, इट्स नॉट लाइक कि हम एकदम महंगा नहीं ले सकते, पर हम कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग में तो हम रहने में एकदम ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे। वही मेरी बीवी के साथ आता था, फ्यूचर वाइफ के साथ, तो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर देता था, थोड़ा कंफर्ट में रहता था। यहाँ थोड़ा गर्म पानी का दिक्कत हो रहा था, एकदम गर्म पानी नहीं आ रहा था, गुनगुना पानी था, पर बहुत अच्छा है। हर जगह यहाँ गर्म पानी तो रहता ही है, ऑलमोस्ट गुनगुना था यहाँ थोड़ा सा। यहाँ से चोपटा है 83 किलोमीटर, और यहाँ जब हम ट्रैवल करके जाते हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है। तो हमको पहुँचने के लिए चोपटा आई गेस 2-3 बजेंगे, हम अभी 7 बजे निकल रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी निकले, 7 बजे 6 बजे अगर निकल सकते हैं तो 6 बजे भी बेस्ट रहेगा। तो आपको देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो जगह आते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये पूरी पहाड़ी एरिया है ना, तो हमेशा यही ध्यान रखना कि आपको ट्रैवलिंग करना है यहाँ। यहाँ आपको 4-व्हीलर 2-व्हीलर जो भी आप व्हीकल में आए हैं तो आपको हमेशा फिरते रहना है। ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि गाड़ी पे कम और रहना ज़्यादा है, तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ही जगह पे 10 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी हम 4-5 चीज़ें जो देखना चाहते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसमें आपको कंटिन्यूसली ऑन द रोड रहना ही पड़ेगा क्योंकि ये दूर दूर है और पहाड़ी इलाका है। ऐसा लगता है कि 80 किलोमीटर, पर मेरे घर पे 80 किलोमीटर और यहाँ का 80 किलोमीटर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। रोड इतने अच्छे नहीं रहते, शाम को 6 बजे के बाद ट्रैवल नहीं कर पाते, लाइटिंग्स नहीं रहती है, बहुत सारे यहाँ तकलीफ़ें आती है, ब्लॉकेज आते हैं। वन वे रोड है, 4-व्हील हाईवे नहीं है, तो जो वो ब्लॉकेजेस होते 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 काफ़ी समय लग जाता है, तो आपको समय बिताना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डेस्टिनेशन, तो एन्जॉय योर जर्नी एंड एज वी आर एन्जॉइंग वी आर हैविंग फन वाइल ट्रैवलिंग एज वेल। हम बातें कर रहे हैं, चकलस कर रहे हैं, आप भी अपने दोस्त वही चुनिए, वही उन लोगों के साथ आइए जिनके साथ आप बातें कर सकते हैं, सारे जीवन भर की अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं। चलते हैं अपन जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस इंसान को, इसके वजह से हम बाहर निकले, अब भी बीच में हमारा कोई स्टॉप नहीं था, पर इसने पात पात के वो जो चतुर्लिंगम जो थ्री इडियट्स का है ना, उसका वो साइलेंसर का उसने पूरा किरदार निभाया। थ्री इडियट्स में ये वो चौथा वाला इडियट है, ये पादम सुरसुरी पादम।
तो इस वजह से हम बाहर निकले थोड़ी फ्रेश हवा खाने में, क्योंकि हमें हमें ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हो रही थी गाड़ी में। तो कैसा कैसा लग रहा है अब आई आपको एम इतना फीलिंग रिलीज सो करके, बेटर, आई एम फीलिंग सो और अभी बेटर। और रिलीज करना बाकी है कि हाँ बचा है? जैसे जैसे पहाड़ी चढ़ेंगे वैसे वैसे हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं अब आते हम वॉक करके जा रहे हैं स्पेशल आपके लिए। धूप आ गई एकदम से। देखिए नज़ारा, ये नज़ारा देखिए, एकदम छाव थी अब तक हम ट्रैवल कर रहे थे और एकदम धूप आ गई और घने बादल है। एकदम मस्त व्यू है। तो गाइस हम पहुंच गए बी मिडोस करके, यहाँ अपन रुकने वाले हैं। यह अपना कैंप स्टे है, जो टेंट स्टे बोलते हैं, टेंट टेंट में हम रुकेंगे। तो आइए चले दिखाता हूँ मैं कैसे रुकने की व्यवस्था है हमारी। यहाँ से नीचे जाना है थोड़ा सा, उधर देखिए टेंट लगे हुए हैं। यहाँ जब आ रहे थे हम, काफ़ी यहाँ से ही केदारनाथ के भी रास्ता निकलता है, काफ़ी गर्दी थी, काफ़ी जन थे वहाँ, और यहाँ के लिए भी काफ़ी जन आया, काफ़ी अच्छा। देखिए थोड़ा सा और अपना टेंट देख लेते हैं हम। चलिए एक बार सबसे पहले एक बार दिखा देता हूँ आपको और फिर हम सेटल डाउन हो जाते हैं। और ये है होम स्टे, बहुत बढ़िया है, सिंपल एकदम। ये अंदर टॉयलेट है उसके अंदर, इधर टॉयलेट बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम है। ये सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा मतलब ठीक है सर। तो गाइस कैसा लगा आपको ये टेंट हाउस और ये यहाँ का बाहर का एनवायरनमेंट? देखिए एक बार रुपेश, हमारे रुपेश सर को काफ़ी ठंडी लग रही है, कैसा लग रहा है? ठंडी लग रही है, ठंडी तो बढ़ गई है इधर काफ़ी। अच्छा देखिए आप, अब एक बार देख लीजिए बस, यही दिखाना चाहता था। एक बार हमारे कैमरामैन को भी लेके आते हैं हम फ्रेम में, देखिए। हेलो गाइस, हाँ बहुत मस्त प्लेस है यार आदि एक्सप्रेस को, तो बहुत ही बढ़िया। आज हम जहाँ है गाइस, ये है चोपटा। चोपटा एक गांव का नाम है, यहाँ हम केदारनाथ रूट पे है, यहाँ हमारा चोपटा से तुंगनाथ ट्रैकिंग है कल सवेरे, और आज हम पहुँचे चोपटा पे। हम निकले थे बद्रीनाथ से, और बद्रीनाथ से निकल हमें लगा नहीं कि इतना समय लगेगा, पर काफ़ी समय लग गया। 83 किलोमीटर्स था आसपास, पर इतना समय लग गया कि शाम के हमको 5:30 बज गए। हम काफ़ी रुक रुक के आए, आराम से आए, बहुत रिलैक्स होके आए, पर ये जो शाम को हम पहुँचे जस्ट बहुत प्यारा वेदर पे पहुँचे, हमको सूरज ढलते हुए दिखा अब भी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे टेंट हाउस में रुके हम, यहाँ जैसे देख रहे हैं टेंट हाउस है, और यहाँ टेंट हाउस का हम रात को वही रुकने वाले हैं। यहाँ कुछ चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि नेटवर्क नहीं है बहुत, जैसे रास्ता नहीं है कि नीचे उतरने के लिए, बीच में उन्होंने फुटपाथ टाइप डाला है, बिछाया है, जैसे पत्थर वगैरह डाले उसके थ्रू बताया गया है। बट अब तक मतलब जैसे अगर बहुत जिसको सुख सुविधा की आदत है जो भी, वहाँ यहाँ आना थोड़ा सा उनके लिए टफ रहेगा, पर वर्थ इट रहेगा, डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा। अगर आप आना चाहते हैं तो आप सस्ता ट्रैवलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अभी ये जो वेदर है, हम चाहते हैं कि बॉन फायर हो, या बॉन फायर की व्यवस्था नहीं है तो वो उनको थोड़ा सा हमने कन्विंस करने की कोशिश की कि बॉन फायर करें, तो बॉन फायर हो तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा, यहाँ रात को खाने में भी मज़ा आएगा। थोड़ा सा ठंडी में जैसे आप देख रहे हैं कि हवा में जब बात कर रहा हूँ तो वाफ नहीं कर रही है, ठंडी मुझे एक्सपेक्टेड था कि कुछ ज़्यादा रहेंगी,
पर ये बहुत मैनेजेबल ठंडी है, कुछ भी ठंडी नहीं है एक्चुअल में। कल स्नोफॉल हुआ था फिर भी आज कुछ भी ठंडी नहीं है। मैं यहाँ सेमी न्यूड फोटोशूट डेफिनेटली कर सकता हूँ, डेफिनेटली। मे बी मेरी बैड बॉडी की एडोप्टिबिलिटी वैसी है। तो ये भी एक कहना चाहता था कि ठंडी वेदर वाइज भी इट्स सब 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 लोग मैनेज कर पाएंगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं होने वाला है। और कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ तो ऑफकोर्स आपको एक्सप्रेस करना है, लोगों तक पहुँचाना है, पर एक्सप्रेस करने से पहले फील करना है ना गाइस। तो फील करके एक्सप्रेस करेंगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो पहले फील कीजिए, मोमेंट्स फील कीजिए, जो आप एक जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है या दोस्त है या कलीग है या कपल है, जो भी है उनके साथ आइए और फील कीजिए मोमेंट्स को। जो है वो एन्जॉय करने को ही अपन सस्ता ट्रैवलर कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू।